अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि यार मैंने गिग बनानी है, आई डोंट हैव एनी स्किल, मैं ऑनलाइन अर्निंग करना भी चाहता हूँ फाइवर के ऊपर, बट आई डोंट नो विच स्किल टू लर्न और कौन सी गिग मुझे बनानी चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि यार मैंने अभी न्यूली इस फील्ड के अंदर एंटर होना है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा स्किल सीखूँ और फिर उस फील्ड के अंदर एंटर हो जाऊँ और मैं कौन सी गिग बनाऊँ। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी गिग आपको बनानी चाहिए, किस फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स सी कि कौन सी गिग जो सी है वो आप बनाएं और उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं। सो हेयर वी आर ऑन द स्क्रीन और मैं इधर आपको अगर बताऊं कि जी कौन सी गिग हमने बनानी है, वो किस तरह की होनी चाहिए, किस फील्ड के अंदर हम गिग बनाएं या कौन सा स्किल लर्न करना। सो पहली बात जो सी आपको इधर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप ये जो सी भी ऊपर टॉप पे आ रही हैं डिफरेंट फील्ड्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद ग्राफिक एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, डेटा, बिजनेस एंड लाइफस्टाइल। सो ये वाली एजेंसी ऊपर टॉप पे आ रही हैं। अब मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड के अंदर और मैं चाहता हूँ कि यार इधर से मैं कोई ऐसी फील्ड चूज़ कर लूँ और फिर उसके बाद है कि मैं इसी फील्ड के रिलेटेड स्किल सीखूँ और फिर उसी के बारे में गिग बना के ये जो सब प्रोसेस है ऑनलाइन अर्निंग का ये मैं स्टार्ट कर लूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आप होवर ओवर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एजेंसी न्यू वाली आइटम्स हैं, वेब डिज़ाइन हो गया, ऐप डिज़ाइन हो गया, यूएक्स डिज़ाइन हो गया। तो ये जो सी न्यू चीज़ें आ रही हैं, ये जो मेन कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं जिनके आगे न्यू लिखा हुआ है, आपने कोशिश करनी है कि ये वाले स्किल्स अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्टली इन्हीं की आप गिग बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो आप क्या करें कि इस तरह के स्किल सीखें जिनके आगे ये न्यू लिखा हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है, लेट्स सी कि इनका क्या फ़ायदा है। फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो उनकी मेन कैटेगरीज हैं इनके अंदर ये न्यू वाले जो उनसे काफ़ी ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं। वीडियो एडिटिंग के अंदर भी, वीडियो एंड एनिमेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा न्यू वाले ऑप्शंस हैं, म्यूज़िक के अंदर भी हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीडियो एंड एनिमेशन, इसके अंदर मैं अनबॉक्सिंग वीडियोज़ को चूज़ करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इफ़ यू जस्ट क्लिक, आप इधर देखें कि ओनली 292 सर्विसेज आर अवेलेबल, बहुत कम इसके अंदर कॉम्पिटिशन है। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जल्दी ग्रो करूं इस फील्ड के अंदर ऑनलाइन अर्निंग के अंदर फाइवर के ऊपर मैं जल्दी ग्रो करूं, तो आपने वो वाली गिग चूज़ करनी है या वो वाली फील्ड चूज़ करनी है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लो है, जो सी न्यू है उनके अंदर ऑलरेडी लो है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो सी भी गिग बनाएं या कोई स्किल लर्न करना है तो आप वो वाला स्किल लर्न करें या वो वाली गिग बनाएं जिसके अंदर लो कंपटीशन है। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाते हैं और आइकन डिज़ाइन के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर आप देखें 272 सर्विसेज अवेलेबल ओनली। तो अगर आप अभी से बनाते हैं और उसकी SEO बताऊंगा कि उसकी किस तरह करते हैं, डिस्क्रिप्शन और ये सारा कुछ जो मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेंगे, और जब फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेंगे ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। ये देखें आइकन के अंदर 272। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल एज वेल, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाता हूँ तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर आप देखें ओनली 892 वर्ल्ड वाइड, ओनली 897 सर्विसेज आर अवेलेबल ओनली वर्ल्ड वाइड। आप खुद ही हिसाब लगा लें, अगर इस गिग के अंदर थोड़ा कंपटीशन तो डेफिनेटली यू आर गोना हैव अ ग्रेट सक्सेस इन द फ्यूचर, आप काफ़ी अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी रैंक करूं फाइबर के ऊपर और जल्दी से अर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाए, ये जो सी बातें हैं कि 2 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ये किस तरह रॉन्ग है और किस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं, यही एक वजह है और यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप राइट कर सकते हैं, आप जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, आप जल्दी इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गेन कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से आपने वही गिग बनानी है और वही गिग इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा
अर्निंग कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने वही गिग बनानी है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन लो है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें। और डेफिनेटली जो सी फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ने टेक्स्ट जो सा रखना है, टाइटल जो सा रखना है वो किस तरह का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसकी किस तरह करनी है, बायर को अट्रैक्ट किस तरह करना है, दिस इज ऑल कमिंग अप इन द फ्यूचर वीडियोस। बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि वो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप इस तरह के स्किल्स जो उनसे हैं वो जो उनसे न्यू चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर स्किल जो उनसे वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपने वही गिग बनानी है जिसके आगे न्यू लिखा हुआ है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें और जल्दी ऊपर आ सकें। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेसन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने अगर कोई स्किल सीखना है तो कौन सा स्किल सीखना है, अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो आपको किस तरह की गिग बनानी चाहिए। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइवर गिग जो उनकी वो किस तरह बनाई जाती है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसकी किस तरह लिखनी है, एंड ऑल दैट कमिंग अप इन द फ्यूचर वीडियो। Until then, take care. Allah Hafiz.